बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न हमने लाया है। जीके जीएस पीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा में जीके जीएस और बीएड संबंधी 150 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें जीके जीएस का, 100 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का और 50 क्वेश्चन रहेगा बीएड का। बीएड का 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दोनों के एक साथ हम इसके पहले वाला सेट में दिए हैं, जिसमें कमेंट आया है कि लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको दो भाग में बांट दिया। जीके के 100 क्वेश्चन को अलग कर दिए हैं और 50 क्वेश्चन ये बीएड वाला अलग कर दिए हैं। यही 50 क्वेश्चन को अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें 5-6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, उसको हम बनाने के दौरान आपको बता देंगे, वो 5-6 क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, अभी अच्छा लगने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कहता है समावेशी शिक्षा। इसके पहले वाला प्रैक्टिस में भी समावेशी शिक्षा के बारे में हमने बताया है। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें समाज के सभी तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से अक्षम हो, या सामाजिक रूप से अक्षम हो, या भाषिक रूप से अक्षम हो। भाषिक रूप से अक्षम कहने का मतलब चाहे वो तुतलाते हों या फिर भाषा को सही स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हों, उनको सभी को एक जगह बैठाकर सबके साथ पढ़ाने की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। एकदम इम्पॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न जरूर रहेगा। चलिए देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल गलत। केवल बालिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल कर देती है, बिल्कुल गलत बात। जो सभी नियोग बच्चों को शामिल करती है, गलत। जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, यही होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें किसी भी प्रकार से अक्षम अगर बालक है उसका भेदभाव किए बगैर सबको एक जगह समान रूप से पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक नहीं है? कहता है कि इसमें 4 कारण दिया हुआ है। इसमें कहता है कि कौन सा कारण आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। हम जानते हैं कि हम लोगों में कुछ गुण आनुवंशिक होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा गुण है जो माता पिता से उसके बच्चों में जाता है। अगर किसी माता या पिता किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके बच्चे को निश्चित रूप से होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़रूर होगा। आँखों का रंग भी एक आनुवंशिक कारक है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर किसी के माँ या पिताजी का आँखों का रंग भूरा है तो उसके बच्चे को भी भूरा होने की पूरी संभावना होती है। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी में वो उभर कर आएगा, लेकिन उभर कर आने की पूरी संभावना होती है। आपको कोढ़ संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत ही आता है। हालांकि अभी बहुत कुछ इलाज निकल गया है लेकिन उसका भी फिर से उभरने की पूरी संभावना होती है। तो इसमें आनुवंशिक संबंधी बीमारी हो जाएगा। पहला कहता है आँखों का रंग ये तो होता ही है, आपको हम शुरू में ही बताएं, आँखों का रंग आनुवंशिक संबंधी कारक है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, कोई बच्चा समाज में ज़्यादा भागीदारी लेता है और कम भागीदारी लेता है, इसका आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, इसका सामाजिक आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं है।
चिंतन पैटर्न, चिंतन करने वाला हो या नहीं चिंतन करने वाला हो, इसका अनुवंशिकता संबंधी कारक से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। तीसरा कहता है 103, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः, शिक्षक को कहता है कि अपने विद्यार्थी का क्या त्रुटि है उसका अध्ययन करना चाहिए। कहता है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, योग्यता के अनुसार उसमें समूह बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। भी कहता है भिन्न प्रकार की परिचर्या की आवश्यकता के लिए नहीं, उनके ज्ञान की सीमा के लिए नहीं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के लिए हाँ, यही होगा इसका आंसर हो जाएगा। 104 कहता है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा एक लड़की है जो पाठ को बड़ी जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। लीना है उसी पाठ को सीखने में उससे सीमा से ज़्यादा समय लेती है। तब कहता है कि यह विकास के कौन सा सिद्धांत को मानता है, यह है विकास के व्यक्तिकता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता एकदम बिल्कुल इसको समझ लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता वैसी भिन्नता कहते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, सीखने की क्षमता हो, किसी कार्य को करने की क्षमता हो, ये व्यक्ति से व्यक्ति में अंतर होता है। इसी सिद्धांत को यहाँ कहता है। सीमा एक पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उस पाठ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो ये क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है, एकदम याद रखेंगे इसको। पांचवा कहता है निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसमें दिया हुआ है 4 वातावरणीय कारक है जो कहता है कि विकास को आकार देने में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास को आकार देने में पौष्टिकता की गुणवत्ता से होता है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी कि 3 विकास वातावरणीय विकास को आकार देता है जबकि 1 नहीं देता है, तो जो नहीं देता है उसको में चुनना है, नहीं वाला चुनना है। तो कहता है पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो कोई भी बच्चा अगर पौष्टिक खाना खाएगा तो उसका विकास अच्छा होगा, यानी कि इसका संबंध इससे है। शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल है, स्वस्थ है और अगर शिक्षित भी है तो विकास तो उसके जीवन का हो रहा है, ये भी उसका है। किसका है, संस्कृति, बिल्कुल सही है, संस्कृति भी उसका विकास का कारक है। संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति में अगर बढ़िया से पला बढ़ा है तो वो काफ़ी संस्कारी बच्चा होगा। चौथा कहता है शारीरिक गठन का वातावरणीय कारक विकास का नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 106 कहता है श्रवण ह्रास से ग्रथित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य की सामना करते हैं, यानी कि जो श्रवण सुनने में जो कम सुनने वाला है, बहरा बच्चा है, वो कुंठा महसूस करता है। कैसे, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। फिर कहता है तीसरा पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। देखिए कोई अगर कम सुनने वाला बालक है तो उसमें खेल कूद से कोई मतलब नहीं है, खेल कूद तो समान रूप से करेगा, जैसे खेलेगा वैसे ही भी खेलेगा क्योंकि वो बहरा है, पैर हाथ सही है। कहता है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता, पढ़ भी सकता है बढ़िया से, क्योंकि वो बहरा है सुन नहीं सकता है, बोल तो सकता है,
तीसरा कहता है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में उसको क्या दिक्कत होगा। दूसरों के साथ संप्रेषण, बातचीत करना, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, तो बातचीत करने में इसको दिक्कत होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बातचीत करने में दिक्कत होता है उसको। फिर कहता है सात नंबर कहता है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। बिल्कुल सही, ये कहता है, क्या चीज कहता है, ये बुद्धि के वितरण का ये नियम है, बुद्धि का वितरण के नियम में अधिकांश व्यक्तियों की बौद्धिक बुद्धि औसत होती है और कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। आठवां कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे। प्रतिभाशाली अपनी क्षमता को विकसित कब करेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ये बिल्कुल सही है, अधिगम प्रक्रिया से बिल्कुल जुड़ेंगे। अधिगम मतलब होता है सीखना, अन्य विद्यार्थी के साथ अगर प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ इनसे भी सीखेंगे, यानी कि उसका अपना विकास होगा। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा? नहीं। वे जिन निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 109 बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। एकदम याद रखेंगे इसको, प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। दसवां कहता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक चरण में प्रदर्शित करता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि तीन गो विकास के बारे में सही है और एक गो सही नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। फिर कहता है विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही जो है कथन सही नहीं है। 112 कहता है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। इसका हम मूर्त और अमूर्त का हम एक वीडियो बना करके डाले हुए हैं, उसको आप लोग जरूर देखिए। मूर्त अमूर्त से एक प्रश्न जरूर पूछता है। पियाजे के मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु को कहते हैं मूर्त, मूर्त हो गया 7 से 12 वर्ष तक, और अमूर्त हो गया 12 से 16 वर्ष तक अमूर्त कहते हैं। इसलिए इसको वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इससे एक प्रश्न जरूर पूछेगा। फिर कहते हैं 113 कहता है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर
वंशक्रम एवं वातावरण का, वंशक्रम एवं वातावरण का ही इसका संबंध है मानव विकास का। वातावरण जैसा वातावरण में रहेगा वैसा वह विकास करेगा, और वंशक्रम हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। 114 कहता है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कहता है निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संरचना निर्धारक तत्व है? नहीं है। अनुभव है, संतुलनीकरण है, इनमें से कोई नहीं। इसमें का आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन करना, सहकारी अधिगम एवं तथा पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर होगा सरकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटर सहपारी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण के द्वारा। कहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि वो किसी तरह से विकलांग हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कम सुनते हों या बोल नहीं पाते हों, वैसे बच्चे को सबसे ज़्यादा सीखता है सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम के द्वारा सीखता है, और पीयर यानी ट्यूटरिंग मतलब सहपाठी के द्वारा, सहपाठी के द्वारा वह बहुत कुछ सीखता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है, तथा प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, उसके बाद कहता है सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। फिर इसके बाद कहता है विकास शुरू होता है, विकास कहाँ शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। एकदम इसको याद रखेंगे, VVI ये क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि जब वो माँ की गर्भ में है उसी समय से वो का विकास शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको हम एक और चीज़ बता दें, कहता है प्रश्न पूछता है बार बार ये कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया शुरू होती है कहाँ से? मुख से, मुख से ही शुरू होती है, क्योंकि मुख का पहला काम है अनाज को तोड़ना, तोड़ के उसको लुगदी बना देना, यानी कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। उसी प्रकार विकास की शुरू होती है प्रक्रिया प्रसव पूर्व की अवस्था से है। एकदम इसको याद रख लेंगे। 18 कहता है बाह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बाह अभिप्रेरणा में किसको समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंद्वता को, पुरस्कार एवं दंड को, परिणाम का ज्ञान को। इसमें हम लोग देखेंगे इसको। कहता है 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, इसमें आंसर होगा इनमें से सभी को। फिर कहता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहते हैं इसको। समाज के द्वारा जो देखकर सीखता है, मतलब क्या, समाज के अन्य व्यक्तियों को देखकर सीखता है, दूसरों के व्यवहार को कहाँ देखेगा? समाज में देखेगा। एकदम याद रखेंगे इसको, कंसेप्ट बनाते हुए इसको कोशिश करेंगे देखने का। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी किसमें होता है? भागने की प्रवृत्ति होना लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है, भागने की अभी प्रवृत्ति होना,
अशांत ऊर्जापान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, इसमें क्या हो जाएगा, अवधान संबंधी डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, यही होता है। अगर वह नहीं सीख रहा है, कोई बच्चा है जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको नहीं सीखता है, तो वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन है, एकदम याद रखेंगे, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। 21 कहता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, इसमें चार को च्वाइस दिए हुए हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खुले स्तर के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षा रखता है, विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा। एकदम देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एकदम याद रखेंगे इसको, शून्य प्रशिक्षण अंतरण वैसा प्रशिक्षण जिसमें हम किसी एक चीज़ को सीखते हैं तो उससे दूसरा चीज़ प्रभावित नहीं होता है, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यहाँ पर बॉलिंग को अच्छा कर देता है लेकिन इससे उसको बल्लेबाजी का कोई प्रभावित नहीं पड़ता है, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। फिर कहता है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि आत्मसम्मान विकसित होता है। 24 नंबर कहता है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे साहब कहते हैं 124 में, पहला कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, नहीं सही नहीं है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, नहीं ये भी सही नहीं है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, बिल्कुल सही, पियाजे जहाँ भी आएंगे वहाँ याद रखेंगे संज्ञानात्मक बदलाव। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, बुद्धि के समान अर्थ में किया है, गिलफोर्ड साहब ने अभिसारी चिंतन को बुद्धि को कहा है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यह समय के अनुसार बदलती रहती है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। तो ये यही होगा, यही सत्य नहीं है, बाकी सत्य है, जन्मजात और अर्जित दोनों होता है रुचि, किसी को शुरू से ही बच्चे से मीठा खाने की आदत होती है, यानी ये समय के अनुसार बदलती है, यानी कि समय के अनुसार बदलता भी है, सही है। उसके बाद रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होते हैं, बिल्कुल ये सही है, यानी यही एक सही नहीं है। 26 कहता है, अभिव्यक्ति एटीट्यूड है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, इसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है,
इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 128 कहता है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसके पहले भी इसमें हम बताए हैं, इसके पहले भी हमारा एक प्रश्न इससे आया था, शून्य स्थानांतरण किसे कहते हैं। शून्य स्थानांतरण ऐसा स्थानांतरण जिसमें कोई हम एक काम करते हैं इससे हमारे दूसरा काम प्रभावित नहीं होता है, उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। यहाँ भी वही है, पूर्व में अधिगम नई स्थितियों के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। चलिए 129 कहता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे कहते हैं इदम। इदम याद रखें, ऐसा इच्छा जो पूरा नहीं हुआ उसे इदम कहते हैं। 130, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से समूह से। इसमें सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। 31 कहता है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र को सबसे संतोषजनक होगी। अभी अति कल्पना इसका आंसर हो जाएगा। 32 कहता है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। एक विषय क्षेत्र में जो ज्ञान है उसको दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ने के नियम को कहते हैं ज्ञान के सहसंबंध का अंतर। ज्ञान के सहसंबंध का अंतर। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। विचार विचारावेश की सहायता लेनी चाहिए। 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। इसके बाद कहता है 35 के, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के किस अभिप्रेरक को दर्शाता है। यह विद्यार्थी के आंतरिक अभिप्रेरक को दर्शाता है। उसको अंदर से दिल में ये जागृत हो गया है भावना कि हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, इसीलिए ये हो जाएगा आंतरिक। 37 कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। 37 का, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिकता शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये आंसर हो जाएगा हमारा
महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 38 38 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थाई है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। ये आंसर सही हो जाएगा। 39 क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, व्यवहार का करना, पक्ष खाली स्थान आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में व्यवहार का करना पक्ष आता है। सामाजिक विज्ञानों के प्रशिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए प्रशिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? परियोजना पद्धति ज़्यादा प्रभावी है। 42 विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए ऐसा होता है। 43 जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है? नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं कर रही है। ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। फिर कहता है बी में कहता है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं ये पहला प्रश्न में भी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए ये समावेशी शिक्षा हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में अनोने क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, एकदम बिल्कुल, इसके पहले भी हम इसमें बताए हैं, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना। चलिए फिर कहता है इसको 45 सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को वाद विवाद चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल कराना चाहिए। फिर कहता है 46 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानक हिंदी लिखने में गुणवत्ता प्राप्त करना, नहीं, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंस्ट्रक्ट करना, नहीं, हिंदी के व्यवहार व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, नहीं, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता विकसित करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हो जाएगा व्याकरण के नियमों को रटना। 48 सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, कोई भी परिस्थिति हो उसमें संवाद अदायगी करना, बातचीत करना, बहस करना, ये उसका। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है तो कहता है आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को क्या करेंगे? ऐसा विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र से उसका हम देखभाल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा
भावनात्मक क्षेत्र। चलिए लास्ट 50वां कहता है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त समाजीकरण में भी सहायता करती है। सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त क्या करता है, बच्चों को समाजीकरण करता है। 50 प्रश्न हो गया, इसको आप लोग 5-6 प्रश्न, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है समावेशी शिक्षा, मूर्त अमूर्त चिंतन, ये दोनों से प्रश्न जरूर पूछता है तीनों से। इसे आप लोग बढ़िया से देखेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।